Hey everyone, welcome back once again to the Tat World. We are here again available with another video. This is Satish and here I am ready with another video. If you are new to channel, please subscribe it first, like it and share it among your groups. तो थंबनेल पर आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। एक्चुअली हम आज लेकर नहीं आए, आपके लिए पेश करने वाले हैं यहाँ पे दुनिया की सबसे छोटी वेट मशीन, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक। और ये वेट मशीन इतनी छोटी है कि आप इसको अपनी शर्ट की पॉकेट में कैरी करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो जल्दी से लेकर चलते हैं आपको उस वेट मशीन के पास, करते हैं आपके लिए उसको अनबॉक्स, ऑपरेट करेंगे और देंगे अपने रिव्यूज उसके बारे में, और काफी चीजें उसके ऊपर मेजर भी करेंगे हम। तो चलिए जल्दी से चलते हैं वेट मशीन के पास, और रास्ते में चलते चलते कर लेना सब्सक्राइब हमें। कि इसके अंदर पड़ेंगे 2 AAA बैटरीज, तो बैटरीज का कंटेनर है बैक साइड पे यहाँ पे। तो चलिए जल्दी से बैटरीज को इंस्टॉल करते हैं और आपको चला के दिखाते हैं इसको। तो लीजिए मशीन है बिल्कुल रेडी, तो करते हैं अपने कार्यक्रम को स्टार्ट। को एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। ऑन बटन पे हमें सिंपली प्रेस करना है और ये डिस्प्ले ऑन हो चुकी है, तो इसका मतलब मशीन बिल्कुल ओके है, बैटरीज इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला सवाल दोस्तों यहाँ पे ये है कि आप क्या सोचते हो इस मशीन के ऊपर हमें क्या चीज मेजर करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि इस मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी 200 ग्राम्स है ओनली। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस मशीन पे हम क्या मेजर करने वाले हैं, और लेके भी ऐसी चीजें आएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारी कुछ चीजें जिनका हम वेट करेंगे। स्पाइडरमैन वेब, एक डॉम्स का शॉर्पनर है, एक पैनासोनिक सेल है, एक टिक टैक टो वुडन गेम है, एक बटरफ्लो पेन है, स्नो स्प्रे है, पेंसिल, हल्क, थैनोस का हैंड की चेन, इरेजर है, फेवी स्टिक है, सेल्फी स्टिक है, और एक है पॉपिट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लीजिए मशीन ऑन है। सबसे पहले हम करेंगे वेट इस स्टार शेप पॉपिट का। क्या आपने कभी सोचा इस पॉपिट का वेट कितना होगा? तो चलिए आपको दिखाते हैं आज। तो इस पॉपिट का वेट है 37.02 ग्राम्स ओनली। तो ये जो वेरिएशन कर रहा है ये फैन की वजह से है, जो सीलिंग फैन की हवा है उसकी वजह से ये फ्लक्चुएट हो रहा है। ये इतना सेंसिटिव है ये वेट मशीन की एक हवा के दबाव से भी आप देख रहे हैं उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इवन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कितना एक्यूरेट और कितना परफेक्ट है। ये पॉपिट का खाली पॉली बैग है, पॉलीथीन है, हम इसको भी वेट करते हैं इसके ऊपर, तो देखते हैं इसका कितना वेट आता है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया, अब देखिए रीडिंग के अंदर इवन एक पॉलीथीन का भी वेट इस मशीन पे आ रहा है। आप देख सकते हैं कितना पोर्टेबल, कितना परफेक्ट ये वेट मशीन है। तो लगभग 1.5 ग्राम के आसपास इस पॉली बैग का वेट है। नेक्स्ट हम सबका फेवरेट बटरफ्लो, हमने लाइफ में कभी ना कभी इस बटरफ्लो पेन को यूज जरूर किया होगा, तो चलिए इसको भी वेट करते हैं। तो इस बटरफ्लो पेन का वेट है लगभग 10.5 ग्राम, परफेक्ट। अवेंजर्स के अंदर हल्क का गुस्सा तो बहुत देखा आपने, सनी देओल का मुक्का भी देखा होगा 2.5 किलो का। अब ये देखते हैं कि हल्क का मुक्का कितने ग्राम का है या कितने किलो का है। खैर किलो तो इसमें नहीं आएंगे। तो हल्क का जो पंच है वो है 38.7 ग्राम्स ओनली। हल्क के पीछे पीछे आता है थैनोस भी, तो थैनोस का भी वेट करते हैं। थैनोस ग्लव, थैनोस पंच कितना वेट आता है उसका? तो थैनोस हल्क से काफ़ी भारी है जी, 58.8 के आसपास है, और ये है थैनोस के ग्लव का वेट। नेक्स्ट डॉम्स इरेजर, कभी सोचा है ये कितना वेट होगा इस इरेजर का? कभी आपने मेजर किया है? तो चलिए आपके लिए आज हम करते हैं डॉम्स की एक एक्स्ट्रा लॉन्ग डस्ट फ्री इरेजर का वेट कितना आता है। तो
30 ग्राम भी नहीं है ये इरेजर तो, क्या बात है। ऐसे ही एक डॉम्स की ग्रूव पेंसिल है, ये पेंसिल मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है। इसके ऊपर जो होल्स हैं ये हैं ग्रिपिंग के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस पेंसिल का वेट कितना आता है हमारी वेट मशीन में। तो पेंसिल इज प्लेस्ड, सिर्फ 5 ग्राम की पेंसिल गाइस, आप यकीन करोगे 5 ग्राम की पेंसिल होती है जिससे हम काम करते हैं। वाओ, ओनली 5 ग्राम्स। आपको एक्यूरेसी के लिए बता दूं, मैं जितनी बार भी पेंसिल को प्लेस कर रहा हूं इस मशीन के ऊपर तो वेट वही आ रहा है। तो ये इसकी एक्यूरेसी का प्रूफ है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास फेविस्टिक। तो फेविस्टिक का नेट वेट जो अंदर मटेरियल का वेट है वो है 5 ग्राम्स। तो देखते हैं प्लास्टिक केस के साथ इसका कितना वेट होता है, 11.24 ग्राम्स ओनली। तो 5 ग्राम इसके अंदर एक्चुअल मटेरियल है जो आपको एडहेसिव, मतलब मटेरियल है जिसके साथ आप चीज़ों को जोड़ते हो, और एक्चुअल इस पूरी की पूरी फेविस्टिक का वेट है 11.24 ग्राम्स। नेक्स्ट है एक डॉम्स का बहुत ही खूबसूरत शार्पनर कम इरेजर। तो इसका भी वेट देखते हैं हम कितना आता है। तो इसका वेट है लगभग 25 ग्राम। वाओ, 25 ग्राम का शॉर्पनर और इरेजर। पार्टीज में आपने बहुत यूज की होगी ये स्नो स्प्रे, होली पे भी आपने बहुत यूज की होगी ये स्नो स्प्रे। देखते हैं एक बिल्कुल फ्रेश कैन का एक्चुअल वेट कितना होता है, 122 ग्राम के आसपास। देखा था, कभी सोचा था ये कैन कितने ग्राम्स का होता है, कभी सोचा था कि इसको मेजर करके भी देखेंगे, तो आज आपके सामने है 122 ग्राम एक स्नो स्प्रे कैन का वेट है, वो भी अनयूज्ड कैन का। नेक्स्ट हमारे पास है एक डबल ए पैनासोनिक मेटल बैटरी। तो देखते हैं इसका वेट कितना शो करती है ये मशीन। तो इसका वेट है जी 16.5 ग्राम का सेल है ये, सिर्फ 16.5 ग्राम का सेल। अगर आपके पास ना हो तो आपकी काफ़ी चीज़ें नहीं चलती। ये 16.5 ग्राम का सेल कितना फ़ायदेमंद है, आप देख सकते हैं 16.5 ग्राम का सेल और कितने काम की चीज़। इसके हमारे पास एक टिक टैक टो गेम जो कि पूरी की पूरी एक वुडन फ्रेम के अंदर है। इसके ब्लॉक्स भी वुडन में है और इसका फ्रेम भी वुडन में है। तो देखते हैं इसका वेट कितना आता है। तो ये गेम है लगभग 68.6 ग्राम्स ओनली। तो गेम बहुत ही प्यारी है, मज़ा भी बहुत आता है खेलने में, हम बचपन में भी बहुत खेले हैं, अब भी खेलते हैं, और ये वुडन गेम का अपना ही एक अलग मज़ा है, और ये अपने आप में एक यूनिक मास्टरपीस है। 9 के 9 वुडन ब्लॉक्स हैं इसके अंदर, बहुत ही मज़ेदार गेम, एवरग्रीन गेम है ये। सो नेक्स्ट वेट करते हैं स्पाइडरमैन और उसके वेब का। तो सबसे पहले वेट करते हैं वेब का। तो वेब का वेट आता है जी लगभग 1.9 ग्राम, और स्पाइडरमैन जो बहुत कुशलता है बिल्डिंगों के ऊपर। तो देखते हैं इसका वेट कितना आता है। तो स्पाइडरमैन भाई साहब खड़े हो जाइए, मात्र 28 ग्राम के स्पाइडरमैन। तो देखा आपने कितना कमज़ोर हो गया स्पाइडरमैन, सिर्फ 28 ग्राम वेट रह गया उसका। फ्रेंड्स आपको इसके बीच में एक और फीचर दिखाता हूँ। जैसे कि हमने अभी स्पाइडरमैन को हटा लिया, यहाँ पे मशीन फिर से 00 इनिशियलाइज शो कर रही है, इनिशियल फिगर्स हैं। तो हम मशीन को अगर ऑफ कर देते हैं, अब स्पाइडरमैन को यहाँ पे खड़ा करते हैं, तो आप सबको पता है कि स्पाइडरमैन का वेट है 28 ग्राम। अगर मैं अब मशीन को ऑन करता हूँ तो आप देखिए मशीन का बिहेवियर, अब वो 00 शो कर रही है। अगर मैं स्पाइडरमैन को अब उठा लूँगा तो मशीन का वेट हो गया -28 ग्राम के लगभग। मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर आप बिना वेट के मशीन को ऑन करते तो वो 0 से इनिशियल होती है, इनिशियलाइज करती है। अगर आप किसी चीज़ को ऊपर रख के मशीन को स्टार्ट करते तो वो उसी को अज्यूम करती है एज अ 0 वेट। लेकिन जब आप उस चीज़ को उठा लेते हो तो वो वेट माइनस में चला जाता है। तो नेक्स्ट करवाते हैं हम एक वाइल्ड कार्ड एंट्री जोकर की। तो देखते हैं जोकर या एक प्लेइंग कार्ड के कार्ड का वेट कितना होता है। तो इट्स नियर अबाउट 1.13 ग्राम्स ओनली।
ओनली 1.13 ग्राम्स। गर्मियां आ गई हैं तो गर्मियों के अंदर ये गेम बहुत पॉपुलर है, बैडमिंटन। तो एक शटल कॉक का वेट कितना आता है इस मशीन के ऊपर हम देखते हैं, मात्र 3.4 ग्राम गाइस, सिर्फ 3.4 ग्राम की शटल। ये तो 5 ग्राम भी वेट नहीं है इसका। और इस शटल से हम खेलते हैं, देखिए उसका वेट कितना आ रहा है, मात्र 3.4 ग्राम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। A4 शीट्स हम सब यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए, फोटोकॉपी के लिए। तो देखते हैं एक सिंगल पेज का एक्चुअल वेट कितना होता है। तो इस मशीन के ऊपर रखने के लिए हमें करना पड़ेगा इस शीट को पूरी तरह से फोल्ड। तो फोल्ड करके हम रखते हैं शीट अपनी मशीन के ऊपर। तो देखते हैं इस एक छोटे से पेपर का वेट कितना आता है। लो जी, 5 ग्राम के आसपास, 4.5 ग्राम के आसपास एक पेपर होता है 75 GSM का। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का भी वीडियो काफी पसंद आया होगा। कमेंट में बताना मत भूलिएगा आपको ये स्मॉलेस्ट वेट मशीन कैसी लगी। और मैं समझ सकता हूँ वीडियो देखने के दौरान आपके दिमाग में भी काफी चीजें चल रही होंगी, इसका वेट किया जाना चाहिए, इसका वेट किया जाना चाहिए। पर एक छोटी सी वीडियो के अंदर ये सारी चीजों को वेट करना पॉसिबल नहीं है। हमारे पास भी काफी स्टफ था जिसको हम वेट करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही आगे आने वाले धमाकेदार वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। करते हैं बात इस प्रोडक्ट की रेटिंग की। बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है, आप इसका साइज देख सकते हैं कि मेरे एक पाम के अंदर पड़े आराम से एक मोबाइल फोन की तरह आ गया है। मैंने जैसा कि बताया इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 200 ग्राम तक है, अब 200 ग्राम तक किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं। और रेटिंग के अंदर इस प्रोडक्ट को मिलेंगे 10 out of 10। परचेजिंग वेन्यू कहाँ पे है ये आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। तो जा रहे हैं फिलहाल अभी के लिए, आते हैं बहुत जल्दी आपके लिए एक ऐसा ही धमाकेदार वीडियो लेके। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए द टैट वर्ल्ड के साथ। थैंक यू।